가 준비됩니다. 오늘은 수영이야기 대기가 될게요. 이거 될게요. 오늘의 기차는 이거예요. 미리 로고고 자네도. 미리 보러도 자네도 많이 이야기해요. 빠른. 모사 और हारून ने फिरौन से कहा, इजराइलियों का परमेश्वर कहता है कि तुम उसके लोगों को जाने दो, नहीं तो बुरी बातें तुम्हारे साथ होंगी। पर फिरौन ने उनकी नहीं सुनी। मूसा और हारून ने फिरौन से कहा, इजराइलियों का परमेश्वर कहता है कि तुम उसके लगे कि जाने और तुम नहीं तंग बुरा बुरी बातें तुम्हारे साथ हेंगी। पर फिरौन ने उसकी नहीं सुनी। इसलिए परमेश्वर ने मिस्र में पानी को लहू में बदल दिया, कोई भी इसे पी न सका। तब उसने मिस्रियों के घरों को मेंढकों से भर दिया, हर तरफ मेंढक थे, फिर भी फिरौन ने उनकी नहीं सुनी। इसलिए परमेश्वर ने मिस में पानी के लहू में बदल दिया के ही भी इसे पीने सका। तब उसने मिर्च के ऑरेंज के मेंढकें से भर दिया, हर तरफ मेंढक थे, फिर मैंने उनकी नहीं सुनी। कैसा हनुमान कांगे पीलो मंदिर जाको अबे कितने कांगे से भर दिया, वो वहाँ धूल के समान भर गई। फिर उसने मिस्र के देश को डांसों से भर दिया, फिर भी फिरौन ने उनकी नहीं सुनी। इसलिए परमेश्वर ने मिस्र के आकाश की के कुट किया ये से भर दिया, वह वहाँ के दूल के समान बढ़ गई।
फिर उसने मेरे देश की के डांसिंग से बदल दिया। फिर भी फिरन ने उनकी नहीं सुनी। उसको भारी जरियों के नियो हनी इसलिए परमेश्वर ने मिस्र के जानवरों को मार। जब मिस्र का सारा पानी लहू में बदल गया तो फिरौन ने लोगों को जाने दिया था, सही या गलत? गलत। ओ ये। इसलिए परमेश्वर ने मिस्र के जानवरों को मार दिया। घोड़े, गधे, ऊंट, भेड़े और बकरियां सब मर गए। फिर उसने मिस्री लोगों को भोड़े से पीड़ित किया, फिर भी फिरौन ने उनकी नहीं सुनी। इसलिए परमेश्वर ने मिस्र के जानवरी रंग के मार दिया। गेरे गोदे उन्त बेल और बकरियां सब मर गए। फिर उसने मिस्र लेके के फिरौन से पीड़ित किया। फिर भी फिरौन ने उनकी नहीं सुनी। खुदा में हदन में इजीतुएं दे था चुकी बंदे सुनियो ये दे था चुकी बंदे सुनियो खुदा में भी उपर कर लें दे आदिके हाँ भेजी। परमेश्वर ने मिस्र की फसल का नाश करने के लिए ओलों की वर्षा भेजी। उनकी जौ और सन्न की फसल नष्ट हो गई। तब उसने बचे हुए फल को खाने के लिए टिड्डियां भेजी, फिर भी फिरौन ने उनकी नहीं सुनी। परमेश्वर ने मिस्र की फसल का नाश करने के लिए ओलों की वर्षा भेजे उनकी जय और सने सन की फसल नष्ट है कोई। तब उस ने बजे हुए फल के खाने के लिए यंग बेची। फिर फ्रेंड ने उनकी नहीं सुनी। आजक तो थारो वांगी इसाई हम पूरे चुनने हो इसलिए
फटकार भेजा, फिर भी फिरौन ने उनकी नहीं सुनी। परमेश्वर ने कहा, मैं मिस्र में प्रत्येक पहिलौठों को मार दूंगा और सभी पशुओं के पहिलौठों को भी। इसलिए परमेश्वर ने देश में उन देकर भेजा, फिर भी फिरौन ने उनकी नहीं सुनी। परमेश्वर ने कहा, मैं मिस्र में प्रत्येक पहिलौठे कि मार दूंगा और सभी पशुओं के पहले दिन की गेबी हनानी इसे सामने ठक ठक का ध्यान बिच क्या था पहली बार जब फिरौन ने इसराइलियों को जाने नहीं दिया तो मिस्रियों के साथ क्या हुआ? ओ ये थम पेज मेरे लोग एक मेमने को मारे उसे खाएं, मेरे लोग एक मेमने को मारे उसे खाएं और उसके लहू को उनके द्वार की चौखट पर लगाएं। मैं लहू को देखूंगा और उनके घरों को छोड़ दूंगा, उनके बच्चे नहीं मरेंगे। मेरे लेख एक मेमने की मारे उसे खाएं और उसकी लहू के उनके तेर की चौकट पर लगाएं। मैं लहू के देखूंगा और उनके करें के गेट दूंगा, उनके बच्चे नहीं मारेगा। कृष्ण ठोके यंपीरा बल्लमन और आदर यंत्रण दागने हो यादर यंत्रण सामना दिखाओ। तुम इसे फसह कहोगे और सदा उसे याद रखोगे। इसराइलियों ने परमेश्वर की आज्ञा मानी पर मिस्रियों के पहलौठे मर गए, यहाँ तक कि फिरौन का पुत्र भी। अंत में फिरौन ने सुनी और उसने इसराइलियों को जाने दिया। तुम इसे फसह फसल कहेंगे और सदा उनसे याद रखेंगे।
एलियन ने पर मिश्र की आशा मानी पर मिस यंग के पीछे लेते मर गए यहां तक कि फिरें कि पुत्र भी अंत में फिरें ने सुनी उसने इरस्चा एलियन ने जाने दिया। हाँ ये जब पूरा सुनने हो बातें मिस्र में हुई क्योंकि फिरौन ने परमेश्वर के लोगों को जाने नहीं दिया था। सही या गलत? सही। ओ ये देवनेन संज्ञा या किसी को बंदे होते ना उसी ने क्रिमंता में तो बाय।